देख देखो तो कैसे तड़प रही है नागिन। तू तो जानती थी ना नागिन मैं तेरे इस रूप के बारे में जानती हूँ। तो तूने कभी नहीं सोचा कि जिस दिन मेरा राज तेरे सामने आएगा उसके लिए मैंने कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा। नहीं सोचा तूने? यामिनी के साथ रहती हूँ, कातिल हूँ, शातिर हूँ, तो कुछ ना कुछ मैंने भी सोच रखा होगा। अरे उस दिन जब मैं शीशा के साथ किचन में बात कर रही थी ये वहीं पे थी, इसको नहीं पता लेकिन मैंने इसे देख लिया था। मैं जान गई थी ये जानने के बाद कि मैं आठवां कातिल हूँ सीधे तेरे पास आएगी। फिर मैंने इसका पीछा किया। शिवांगी वो निधि चाची शिवांगी वो तुझे कहीं जाना था ना? मुझे पता था इसकी नजर तेरे पे और मेरा वार इसके सर पे। क्या बताओ शिवांगी ऐसा वार पड़ा कि बस ये बेहोश नीचे और अब उसकी जान। नहीं, नहीं, नहीं। गौतमी गौतमी मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे बचा ली हूँ मैं, मरना नहीं जानती। तू नहीं, तू नहीं मरेगी गौतमी। देख अपनी आंखें खुली रख, आंखें बंद मत करना। मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल में ले जाती हूँ। गौतमी शिवांगी गौतमी तू बचा लेगी ना मुझे? हाँ गौतमी चल चल डॉक्टर के पास चल चल। तूने मेरी बहन को मार डाला। मेरी बहन को मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही मौत की पूरी कायनात कांप उठेगी। Damn it, ये सांप, इस सांप एक बहुत बड़ा खतरा है और मैं यूं ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा इस सांप को मारने का। कैसे कैसे पता करूं? कोई तो होगा जो मुझे बताएगा कि इस इच्छाधारी नाग को कैसे पकड़ा जाए। कहां मिलेगा वो इंसान? Damn it, कहां मिलेगा मुझे वो इंसान? थैंक गॉड मैं बच गई। यामिनी शेषा बचाओ बचाओ। वो अरे वो क्या? वो नागिन नाग कौन है? कहाँ है? आते हो कल तक वो तो ले गया निधि को। वो गया? नहीं छोड़ूंगी इसे मैं। अरे सुन काली नागिन, तेरी बिरादरी वाला निधि को उठाकर ले गया। अरे भाग ना, इसका पीछा क्या हुआ? एक काम करते शिवांगी, वो नागमनी ना
हम दोनों हासिल करते हैं, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। मैं अकेली नहीं, हम दोनों मिलके। चलेगा शिवांगी? मुझे छोड़ दे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारना। छोड़ दूँ तुझे? छोड़ दूँ? तूने छोड़ा था मेरी माँ को जब वो जोर जोर से चीख रही थी, तो छोड़ा था तुम लोगों ने मेरी माँ को। आज मेरी बहन को छोड़ा तूने, और तुझे छोड़ दूँ? नहीं, तो जैसे दुश्मनों को छोड़ते नहीं, तोड़ देते। हे शिव जी के ना, जागो, शिव जी की भक्त बुला रही है। उनकी सबसे बड़ी भक्त शिवन्या की बेटी शिवांगी तुम्हें बुला रही है। जागो और बदला लो मेरा। शिवजी की नागमणि पर हाथ रखने वालों का हिसाब पूरा करो, उनकी सबसे बड़ी भक्त के कत्ल का हिसाब चुकता करो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओ मत सुना। जिसने अपनी दोस्तों को उनके दुश्मन का राज नहीं बताया, वो मुझे क्या बताएगी? अब देख, तू खुद एक राज बनकर रह जाएगी। देख अपने माथे पर, तेरी मौत की लकीरें नजर आती हैं मुझे। देख, मैंने आज इसे भी मार दिया, तेरे छह कातिलों को मार दिया मैंने, बचे दो, अब उनकी बारी, उन्हें मारकर मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। मां, मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय। मोटी उड़, निधि उड़, उड़ गई। अरे वो नाग निधि को उड़ा कर ले गया। और तू क्या चाहती है, मैं यहाँ खड़ी खड़ी भरतनाट्यम करती रहूं? देख काली नागे, अब यहाँ सिर्फ दो ही बचे, एक मैं और एक तू। हम भी ऐसे ही उड़ जाएंगे। अरे पूछ ना अपने अंतर्यामी शक्तियों से, पूछ कि वो नाग निधि को कहाँ ले गया। ये सारे नाग नागिन एक साथ कहां जा रहे हैं? कहीं कुछ तो हुआ है। अरे सुन, क्या ऐसे ही साइलेंट मोड पे खड़ी रहेगी या मेरे सवालों का जवाब देगी तू? चल मेरे साथ, जल्दी चल मेरे साथ। अरे ओ, सारे सांप, समझ गई मैं काली नागिन, तू मुझे यहाँ डसा डसा के मारने लाई है ना, और अपने साथ अपने बिरादरी को भी बुला लाई। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, चल मेरे साथ। We'll be right back.
हट जाओ। निधि मतलब निधि को भी वो सांप ने मार दिया। शेम 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 के मंदिर में निधि को मार दिया रे उस सांप ने। अरे ऐसी भयानक मौत किसी दुश्मन को ही मिले। चल उठा उठाकर इसे हम अपने घर ले चलते हैं। चलो नहीं हम इसे घर नहीं ले जा सकते। मतलब तो क्या इसकी बॉडी को हम यही फेंककर चले जाएंगे? हम इसे घर नहीं ले जा सकते क्योंकि तेरा घर घर नहीं शमशान है। पुत्र का वो पाटला एक एक करके सबको मार रहा है और बेचारा रॉकी अब तक तो सुशांत की मौत के आंसू भी नहीं सूखे और अभी इसकी मौत पे रोएगा। नहीं मैं अब रॉकी को और नहीं रुला सकती। लेकिन इसका अंतिम संस्कार फिर हम कैसे करेंगे? ऐसे निधि ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसे होगा। अरे ओ काली नागिन तू उस घर में है लेकिन रुद्र का वो पार्टनर हमारे घर के एक एक सदस्यों को एक एक करके मार रहा है और तू कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं कर पाई तू। अरे रुद्र का वो पार्टनर भी ना अरे ओ काली नागिन कहाँ जा रही है तू? घर घर क्यों? अभी अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि मेरा घर घर नहीं रुद्र के उस पार्टनर ने मेरे घर को शमशान बना दिया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कहीं और नहीं बल्कि तेरे घर पे है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो कौन है। कौन है? तेरी बहू शिवांगी। लो जली जली रे फिर से शिवांगी को देखकर जली ये काली नागिन। अब उस पर हल्ला बोल। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। वो रॉकी तुझे कभी नहीं मिलेगा इसलिए रॉकी के बारे में सोचना बंद कर और रुद्र के उस पार्टनर के बारे में सोच। उसी के बारे में सोच रही। तू मान या मत मान लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि शिवांगी ही है। हम सब ने शिवन्या को मारा था और इसलिए वो एक एक करके हम सबको मार रही है। हम उसके कितने टेस्ट ले चुके हैं। अरे बोर्ड एग्जाम भी लिख लिया उसने सब में तो पास हो गई वो और तू फेल। बोल अब तेरे घर में और बचा ही कौन? वो भैरी मानसी रोमिल अपनी आलिया और रॉक। इनमें से तो कोई कातिल हो नहीं सकता क्योंकि जो कातिल होता है उसके पास मकसद होता है जो सिर्फ और सिर्फ शिवांगी के पास है। सोच दिमाग लगा। अब तक के जितने भी लोग मरे हैं उन सब ने शिवन्या को मारा था। हाँ मारा तो था लेकिन नहीं 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 शिवांगी किसी को नहीं मार सकती। मोटी मैं साबित करके रहूंगी। खैर छोड़ वो जो कोई भी है जहां कहीं भी छिपा है उसका असली चेहरा आज रात मैं सबके सामने लाऊंगी। क्यों रे आज रात को तुझे बेस्ट नागिन का कोई अवार्ड मिल रहा है? ऐसी समझ ले। ऐसी समझ ले पागल कहीं की वो रुद्र का बुलडोजर पार्टनर हमारे टावर के सारे फ्लैट्स को एक एक करके गिरा रहा है और तू 118 साल पुरानी इमारत मुझे देके हंस रही है। तेरी काली नागिन की तरह आज की रात भी काली है। आज रात कयामत आने वाली है। Thank you.
ये वही घर के पास वाला मार्केट है। मैंने सुना था कोई सिद्ध बाबा यहाँ पर है जो यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं। उन्हें ढूंढता हूँ, शायद वही कोई रास्ता बता दे। अरे सुनिए भैया जी, आपने यहाँ पर किसी बाबा जी को देखा है? सुना है अक्सर यही मार्केट में दिखाई देते हैं। हाँ, कभी कभी आते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि अरे सांप, अरे सांप, सांप सांप है, अरे सांप है सांप। वो चाकू दीजिए मुझे। बाबा जी, बाबा जी संभल के। दुश्मन तेज वार तेज धार से नहीं बल्कि मरता है अपने ही हथियार से। बाबा जी, ये ऐसे कैसे? आपने तो सांप को सिर्फ वहां नीचे रखा और वो तो नहीं समझेगा। तो बाबा जी प्लीज समझाइए मुझे, प्लीज समझाइए मुझे। मैं बाबा जी मैं समझना चाहता हूँ, प्लीज समझाइए मुझे। तेरी जिंदगी को या उस मौत को जो तेरे अपनों के बीच अपनी ही बन के घूम रही है? आपको कैसे पता? तेरे आंखों में दिख रहा है कि तू कुछ ढूंढ रहा है। अगर वो नहीं मिला तो तेरे अपने खो जाएंगे मौत के मेले में। नहीं बाबा जी, बाबा जी प्लीज आप मेरे घर चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आग हवा पानी वहीं जाते हैं जहां वो बुलाता है। हरिओम तत्सत। बाबा जी प्लीज चलिए मेरे साथ, मेरे घर वाले खतरे में, मेरे अपने खतरे में। अगर कोई इंसान होता तो मैं उसे पकड़ भी लेता, लेकिन ऐसी चीज को मैं कैसे पकड़ूं जो रूप बदलती है। प्लीज चलिए मेरे साथ। इंसान इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इस आने और जाने के बीच में वो अपनी एक दुनिया बनाता है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब उसका सहारा बनते हैं। अपनों का साथ हो तो इंसान दुनिया से अकेला भी लड़ सकता है। और जिसके पास पूरी दुनिया में कोई भी ना बचा हो वो? गुरुदेव, आज मैंने अपनी मां की एक और कातिल को मार दिया, पर आज मुझे इस मौत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गौतमी, मैंने गौतमी को खो दिया। माँ के बाद एक बहन ही तो बची थी मेरी, आज वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ गुरुदेव, मेरा और कोई नहीं है गुरुदेव। शिवांगी, शिवांगी तू इसकी मौत पे रोएगी तो कमजोर कहलाएगी। तू अपने दुख को अपनी ताकत बना ले और अपने दुश्मन की ताकत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। हाँ, यामिनी और शेषा को अब मैं ऐसी मौत दूंगी, इतनी बुरी मौत दूंगी उन्हें,
चिता की आग में जलकर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छोड़ूंगी अकेला, तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अरे वो कालीना के, अगर ये लोग निधि के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? ए ओवर एक्टिंग की दुकान, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लेना, कुछ भी बोल देना। बड़ी माँ, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? बड़ी माँ, निधि भाभी वो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। और गौतमी भी घर पर नहीं है। निधि नासिक गई है, वहां माताजी का मंदिर है ना, वही गई है। लेकिन ऐसे कैसे, उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत परेशान थी, नींद से उठी और मुझसे कहने लगी इस घर में सबकी जान खतरे में है, मैं जाऊंगी, मन्नत मांगूंगी, पता नहीं कब आएगी वो। मतलब 3-4 दिन में आ जाएगी वो। पता नहीं पड़ी माँ, हमारे घर को क्या हो रहा है। अब जो होगा अच्छा होगा, इस घर में अब कुछ बुरा नहीं होगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। इस घर में कोई इच्छाधारी नागिन या कोई नाग रहता है। आपको तो अंदर आते ही पता लग गया, इसका मतलब आपको यह भी पता होगा कि वो कौन है। आंखों के सामने हमारी आंखों के सामने इच्छाधारी नागिन या इच्छाधारी नाग हमारी आंखों के सामने रूप बदलते, रंग बदलते, हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमारी साधारण आंखों को दिखाई नहीं देते। जैसे तुझे दिखाई नहीं दिया वो तेरे ही घर में तेरे ही आंखों के सामने रहते। जानता हूं बाबा जी, लेकिन कैसे पता चलेगा बाबा जी कौन है? जो भी है बहुत जल्द उसकी असलियत तेरे सामने आ जाएगी। कैसे? क्या नहीं, ये बात केवल मैं तुझे बताना चाहता हूं। चलिए बाबा जी। बड़ी माँ, मैं भी आया। ए मोटी, ये बाबा ना मुझे थोड़ा सा चालू टाइप्स का लगा। अरे एक बार ये इच्छाधारी नाग या नागिन को पकड़ ले, फिर ये चालू हो या भालू, हमें क्या। मोटी ये ना मुझे कंधी वाली मतलब थरकी वाली नजरों से देख रहा था। क्या
क्या बात है, 16 साल का छोरा हो या 60 साल का गोरा, सारे मर्द तुझ पे लट्ठू है काली नागिन। तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, काला टिक्का लगा ले। नहीं नहीं मत लगा, फिर तो तू दिखेगी भी नहीं। सुन तू टेंशन मत ले, ये बबलू डबलू बाबा जी का टुल्लू रॉकी को जो बताएगा ना वो आकर मुझे बताएगा और मैं तुझे खुश। रॉकी ने गौतमी के बारे में पूछा तो क्या बताऊंगी, रॉकी उनकी मौत पे आंसू बहा रहा है जो उसके अपने हैं ही नहीं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने उसके अपनों को मार दिया और रॉकी को पता तक नहीं। ये गंध कैसी, अंदर कोई ऐसा आया है जो मेरा दुश्मन है, कौन है अंदर? कुछ भी हो ये बाबा जी रुद्रा के पार्टनर और उस गोल्डन सांप को ढूंढ भी लेंगे और मार भी देंगे, नाग नागिन का किस्सा ही खत्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंदर कोई अनहोनी हो रही है, क्या हो रहा है वहां? बाबा जी आइए, यहां बैठ के बात करते हैं। अब बताइए मुझे बाबू, क्या हुआ बाबा जी, अब ऐसा क्यों नहीं? तेरी जिंदगी और मौत की एक ही परछाई है। एक ही परछाई मतलब? बाबा जी अब साफ साफ कह रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आया था बाबा जी क्योंकि मेरे शांत रहेगा तो फतेह हासिल करेगा, तो दुश्मन पे फतेह हासिल होगी। तेरा मन शांत हो गया है, अब तू अपने दुश्मन के हर चाल के जाल को काट सकता है। कैसे बाबा जी, मैं तो अपने दुश्मन को भी नहीं जानता, किस पे शक करूं किस पर नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ही घर में बैठकर मेरे किसी अपने के रूप में बैठा छिपा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा जी। जब कुछ समझ में ना आए तो उसे समझने की जरूरत नहीं, जो अपने समझ में ना आए वो अपने नहीं होते, कभी कभी अपनी परछाई भी हमें धोखा दे जाती है। मतलब? तो सबसे ज्यादा जिस पे भरोसा करता है वही तेरा भरोसा तोड़ेगा। बाबा जी मैं तो इस घर में सबको अपना मानता हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते, मेरा साथ दे, उन पे शक करके उनका अपमान नहीं कर सकता मैं। बाबा जी आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे पता चल जाए कि वो नाग मेरे किस अपने का रूप लेकर इस घर में छिपा है। प्लीज बाबा जी मैं कुछ भी दूंगा, कुछ भी बाबा जी। धन की आवश्यकता नहीं है मुझे, मुझे तेरे मन का विश्वास चाहिए। ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है, जो भी नाग यहां छिपा होगा इस आईने के सामने आते ही वो अपने असली रूप में आ जाएगा। इस आईने के सामने
वो नाग ही दिखेगा। थैंक यू बाबा जी। हरिओम तत्सम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको बाहर पे छोड़ देता हूं। मुझे छोड़ने वाला और मुझे पकड़ने वाला केवल ऊपर वाला है। हरिओम तत्सम। नाग का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर उसकी मौत। बाबा जी देखिए ना, कितने अच्छे कर्म करती हूँ, पुण्य का काम करती हूँ, फिर भी मेरे पीछे इतने सारे दुश्मन हैं कि सब कर्मों का फल है। अच्छे कर्म भगवान और बुरे कर्म शैतान बनकर सामने आते हैं और आ गए। ये कोई डब्लू बब्लू बाबा नहीं, कोई ज्ञानी बाबा है। मुझे सतर्क रहना होगा। अजीब घर है, इंसानों के बीच शैतान, शैतानों के बीच इंसान। बाबा जी छोड़िए ना, वो क्या है ना, आप तो महान है, वैसे गलती इंसान से ही तो होती है। अब समझो हो गई, छोड़िए ना। छोड़ दो। हाँ मैं छोड़ू ना छोड़ू, ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। बाबा जी वो क्या है ना, देखिए अब बुरे कर्म ना आपने किए ना मैंने किए, अब जिस बला को पकड़ने यहाँ आए हैं उस पे फोकस कीजिए। हरिओम। अब तेरा खेल खत्म। अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाए। परिमा रॉकी बेटा वो बाबा तुम्हें कहाँ मिला? वो तो पुरुष है ही नहीं। मेरा मतलब है सिद्ध पुरुष है। जी बड़ी माँ, वो बहुत ही सिद्ध बाबा है। पता जब मैं मार्केट गया था वहाँ पे एक सांप ने मुझे पकड़ लिया। हाँ बड़ी माँ, मैं उसे पकड़ने गया, उसे मारने गया, उसे पहले ही बाबा ने पकड़ लिया, उसे मार दिया। मुझे तो ऐसे लगा कि बाबा ने उसे अपने वश में कर लिया, तभी मैं समझ गया ये बाबा बहुत ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं, महासिद्ध है। वैसे उन्होंने कोई सिद्धि वाली बात बताई तुम्हें? बताई ना बड़ी माँ। हाँ हमारे घर में जो नाग छिपा है ना, बहुत जल्दी उसे पकड़ लूंगा मैं। वो कैसे? उन्होंने मुझे कुछ चीज दी है, उस चीज का सामना अगर वो नाग आ जाए तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। बड़ी माँ। हाँ ये बड़ी माँ, ये है वो जादुई आईना, इस आईने के सामने उस नाग का असली चेहरा आ जाएगा। अब ये आईना बताएगा सबकी असलियत, कौन इंसान है और कौन नाग। अगर ये आईना इतना ही शक्तिशाली है तो ऐसे और 10 बना दो, पूरे घर पे लगा दो, वो नाग जिस भी बिल में छिपा होगा सामने आ जाएगा। अरे ओ काली नागिन, सबसे पहले तू ही सामने आ जाएगी, मत बोल। Not a bad idea. Actually, मैं भी रोमिल से कहता हूँ आईने का 10 टुकड़े करवा दे। मैं भी तो देखो
ये नाग अपना चेहरा कब तक छिपाता है? बड़ी मां, मैं अभी आया। काली नागिन, तू क्या पागल हो गई है? एक आईने के सामने तेरी ब्लैक मनी बाहर आ गई थी, अब 10 आईने ये लगवाएगा तो रॉकी तुझ पे इनकम टैक्स रेड मार देगा। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, तू क्या सोच रही है? मैं होलसेल का माल हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो हर किसी को दिखूं। यामिनी, अब सिर्फ तेरी एक ही असिस्टेंट बची है, ये भी नरकवासी होने जा रही है। फिर भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके अकाउंट में तेरे कर्मों का हिस्सा बहुत ही खराब है। क्या करूं? रोमिल, ऐसे टाइप के 8-10 मिरर्स बनवा दे, उन पे ये भभूति लगानी है। क्यों? बाबा जी ने कहा है। बाबा जी ने कहा है? तो रॉकी, फिर ये शुभ ही होगा। अब मैं ना इसका लाभ किसी और के साथ नहीं बांटूंगी। मैं अभी आई हूं। कहाँ थी तू? सॉरी रॉकी, वो घर में इतना कुछ चल रहा था ना, तो गौतमी बहुत बेचैन हो गई थी। बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि वो दिल्ली में अपने दोस्त के घर जाकर रहे। मैंने भी सोचा चलो अच्छा ही है, कुछ दिन बाहर जाकर रहेगी तो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। अभी अभी उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ। मुझे कहते थे मैं छोड़ देता। तुमसे कहने ही वाली थी, पर एटलीस्ट वो तो सेफ रहेगी। हाँ, वो सेफ है, अब उसे कभी कोई खतरा नहीं होगा। अरे दिल्ली कौन सी दूर है, तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे कि तुम्हारी बहन दिल्ली तो गई है ना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जा, जितनी प्लानिंग करनी है कर ले, क्योंकि आज के बाद प्लानिंग करने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। क्या करने आया था वो बाबा यहाँ? किससे पूछूं? रॉकी से डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकता, उसे शक हो जाएगा। चैन आए मेरे दिल को, दुआ दीजिए। क्या बाबा जी, वो जो बाबा जी आए हैं, उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया है जिससे वो इच्छाधारी नाग या नागिन जो इस घर में छिपा है वो सबके सामने आ जाएगा। इसी ने तुम्हारे दिल का चैन उड़ा दिया है। इच्छाधारी नाग या नागिन भला मेरा चैन क्यों छीनेंगे? और मैंने तो सुना है कि इच्छाधारी नाग नागिन सिर्फ उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं जिन्होंने उसे या उनके किसी अपने को चोट पहुंचाई हो। Really? Oh, तुम तो बहुत कुछ जानते हो इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में। कैसे? वो ऐसे कि तू खुद एक इच्छाधारी नागिन है, और जिस दिन तेरा असली रूप रॉकी के सामने आएगा, सोच वो कैसे तुझे मार गिराएगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मेरे दुश्मनों को मार गिराने में मेरा साथ देगा। मेरी माँ, गौतमी और रुद्र के दो कातिल अब भी जिंदा है, मेरे सामने है। शिवांगी, आज वो सांप जो भी है सबके सामने आ जाएगा। आज मेरा रॉकी, तुम्हारा रॉकी उसे पिटारे में बंद कर देगा। उसने बहुत लोगों को मारा है इस घर में, और मारने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सिर्फ रॉकी देगा, और मैं उसका साथ दूंगी, आखिर मैं उसकी दोस्त। हाँ, इतना अच्छा दोस्त कि चोट उसे लगती है और जान तुम्हारी निकल जाती है ना रुचिका? हाँ शिवांगी, दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी। जान देकर या फिर लेकर? जान उसकी जाएगी जो इस घर में सांप बन के घूम रहा है। आज उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा, रॉकी के भी सामने आ जाएगा, फिर वो भी खत्म, उसका धोखा भी खत्म। हाँ, धोखे की कहानियों का अक्सर यही अंजाम होता है।
टेंशन मत लो, आज आज उसका खेल खत्म। हाँ यामिनी, अब तुम दोनों का खेल खत्म ही समझो। शिवांगी बेटा, नीचे सब बहुत टेंशन में है, जाओ जाकर संभालो उन्हें। जी। अरे ओ काली नागिन, तेरे अंदर से ये काला धुआं निकलना कब बंद होगा रे? क्यों बिना नाये धोए उस शिवांगी के पीछे पड़ी है? अब शिवांगी नागिन है या नहीं ये तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले तेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट सबके सामने आ जाएगा, आईने के सामने। नहीं आएगा मोटी। क्यों, कैसे? ऐसे। मैंने अपनी सारी शक्तियां इस पेंडेंट में डाल दी है, अब मैं कुछ देर के लिए एक साधारण इंसान हूं।